तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। इसमें ये आपका लास्ट चैप्टर है, ये है 15वां चैप्टर, खाद्य संसाधनों में सुधार की बात की जा रही है। तो इसे खत्म करने के बाद आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की जो भी बुक्स आपके सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, उन सभी को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बचती आपकी 10, 11, 12 की, इन्हें भी तो हम लोग बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। और आगे हम लोग जो भी आपकी टेक्स्ट बुक भी होगी, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे इन सब के बाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी आपका बेस बनाएंगी, उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगी तब आप अच्छी स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो आपको जिससे शुरू में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की टेक्स्ट बुक के बारे में, सभी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए जरूरी है। खाद्य संसाधनों में सुधार, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम फ्रांस समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक है, क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है। चीन पहले नंबर पर, उसके बाद हमारा नंबर। और कहा जा रहा है कि 2030 तक हम लोग चीन को भी पीछे कर देंगे जनसंख्या के मामले में। और बाकी मामले छोड़िए, और जीडीपी के मामले में सुना जा रहा है कि कुछ सालों बाद चाइना अमेरिका को भी पार कर जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक हो गई, 130 के करीब, 125 30 के करीब पहुंच चुकी है। और 2021 की जब जनगणना आएगी होगी, उसके बाद आपको सही आंकड़े पता चलेंगे। इससे लगातार वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति पैदा होंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था भी तो की जाएगी, तो इसके लिए उत्पादन भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुपालन की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास एक खेत है, 1 बीघा का एक खेत है, ठीक है, ये आपके घर में परिवार बढ़ता जा रहा है, आपके बाद 2 बच्चे और हुए, इसके बाद उनके 2 बच्चे और हुए, इस तरह से 10 फैमिली हो गई, 10 मेंबर। तो 1 बीघा जमीन आप जब 2-3 लोग थे तब उतनी ही थी, और उसके बाद आपने देखा है कि मेंबर बढ़ गए फिर भी उतनी ही है, तो आप इस तरह से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आपको करना होगा कि खेती में जो उत्पादक है, यानी कि उसी खेती में अधिक उत्पादन हो, ऐसी व्यवस्था, अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी का खाद, इस तरह से बढ़ाना होगा। किसाई सिंचाई करके आपको उसी पर आप पशुपालन को भी करके अपनी पूर्ति कर सकते हैं, यही करते हैं ना। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन का बढ़ावा दिया है, उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। तो याद रखिए, हरित क्रांति आपकी फसल उत्पादन से और दूध क्रांति, श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से, ठीक है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदाओं को हानि होने के असर बढ़ रहे हैं, अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति ना पहुंचाए। इसलिए कृषि एवं पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कई रसायनों का आप खेत में प्रयोग करते हैं तो वो पर्यावरण को हानि भी पहुंचाता है, जल प्रदूषण करता है, मृदा को प्रदूषित कर देता है। तो हमें ऐसा खाद भी उपयोग करना है, उर्वरक, कि जो हमारी मिट्टी को प्रदूषित ना करे, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, हमारे जल को प्रदूषित ना करे और उत्पादन बढ़ती रहे। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण या तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है।
खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। आपने देखा है कई राज्य तो की जनसंख्या तो 85% जनसंख्या 80-85% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर करती है, समझ रहे हैं? तो हमारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ले लीजिए या फिर चाहे आप जीडीपी में देख लीजिए या फिर घरेलू दैनिकचर्या, कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि क्षेत्र को लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। अभी नरेंद्र मोदी सरकार आई हुई थी, आपने सुना होगा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही थी। अब देखते हैं, हम लोग 20 में पहुंच चुके हैं, 21-22 में देखते हैं किस तरह से बढ़ती है। अब कोरोना वायरस की आने की वजह से भी काफी हद तक कहा जा रहा है कि अब मुश्किल है कि उनकी दुगनी आय हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशु धन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि आपके गांव में अगर किसी परिवार में 4-5 भाई हैं तो पूरा परिवार खेती पर लगा रहता है, तो क्या रहता है कि उनका जहां एक आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी लगे हुए हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग पशुपालन कर लें उसी खेती में, कोई कुक्कुट पालन, भैंस पालन, गाय पालन, जिससे आय भी बढ़ेगी परिवार की और आराम से जीवन यापन होता रहेगा। लेकिन हम में से अधिक परिवार क्या करते हैं कि एक ही पर ही डिपेंडर बने रहते हैं, जहां एक आदमी की जरूरत है वहां 10 आदमी लगे रहेंगे, और आप समझते हैं उससे आपकी जीवनचर्या भी उसी पुरानी जैसी हालत में बनी रहती। अब क्वेश्चन यह है कि हम फसल और पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। फसल उत्पादन में उन्नति, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज गेहूं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले, फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है सब्जियों से। चारा फसलें जैसे वर्सीन, जई, सूडान, घास उत्पादन पशु के चारे के रूप में किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, मक्का हो गया, गेहूं, चना, विभिन्न प्रकार की फसलें, एक तरह से मटर, ठीक है। विभिन्न फसलों के विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान और दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्तकाल सूर्य प्रकाश के कार्य काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। जो वर्षा के समय बोई जाती हैं उन्हें खरीफ कहते हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल माह तक होती हैं, इन्हें हम लोग रबी की फसल कहते हैं। इसमें आपने देखा है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द खरीफ की फसलें, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये आपकी रबी की फसलें हैं। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। कितनी? 25% की। जबकि अन्य पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई है? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हमें उनके 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तीसरा खेती में उसी उगी फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसलों को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। फसल की किस्में में सुधार, फसल उत्पादन में प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। यहाँ सीधा सा मतलब है आपका कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वही, एक बार आपने बीज बोया उसके बाद कट गई, उसके बाद वही बीज आप लोग रख लेते हैं, तो क्या होता है कि इससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। आपको क्या करना चाहिए कि अच्छा बीज खरीदना चाहिए उसे बेचकर, समझ रहे हैं? तो उससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, फसल उत्पादन में प्रबंधन, जैसे कि सिंचाई अच्छे से, उसकी कटाई पटाई सुरक्षित व्यवस्था से रखना चाहिए। यही सभी उपाय हैं उत्पादन को बढ़ाने के। फसल की किस्मों में सुधार की अगर बात करें तो फसलों का उत्पादन अच्छा हो या प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या फिर विभेदों के लिए
विभिन्न उपयोगी गुण जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन का चयन विपणन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में अच्छे गुणों के संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण की विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संक्रमण करवाते हैं। यह संक्रमण अंतरा किस्मी है। विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीसीज, एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीसीज अथवा अंतरा वंशीय विभिन्न जेनेरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि अच्छे गुणों वाले जीन का डालना, इसके परिणाम स्वरूप अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। एक आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब के किसान इतने समृद्धशाली हैं कि उनकी मतलब खेती करते हैं, पशुपालन यानी कि दूध, इस तरह के पशु पालते हैं जो दूध देते हैं। उनकी स्थिति हमारे यहाँ कहा जाता है सबसे बेहतर स्थिति अगर किसी की है किसानों की तो पंजाब की किसानों की, और अगर सबसे बुरी स्थिति कहा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के जो भी किसान होते हैं, आप लोग भी अगर बुंदेलखंड में रहते हैं तो आपको पता होगा शायद कि कहा जाता है पंजाब से बीज खरीदने जा रहा हूं गेहूं का, तो आप समझ सकते हैं कि गेहूं का बीज मतलब वीआईपी जो हम लोग खरीदना चाहते हैं वो पंजाबी को, पंजाबी वो खरीदते हैं जो उनके लिए बेटर यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। नए प्रभावों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसलों की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों की को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा, बाढ़ का पुनः पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थिति में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्म, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट नेमेटोड और अजैविक जैसे सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड, पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों को विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं फसल उत्पादन का प्रबंधन। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है, इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तकनीक की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षेप में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों और कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये योगदान उच्च निवेश और फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है, इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां में सम्मिलित है। एक बात आप लोगों ने हमेशा देखी होगी कि जहां विकसित किसान है मतलब अच्छी स्थिति में है, वो अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं कि इसमें आखिर कौन सी फसल बोई जा सकती है और कौन सी क्या इसमें कमी है, किस तत्व की कमी है, उसे मिलाकर पूरा किया जा सके। लेकिन अधिकतर किसान हमारे यहाँ के ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ के अधिकतर किसानों के पास हर सुविधा, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तकनीकी स्थिति वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि आर्थिक उनके पास पैसा नहीं है, तो वो ऐसे ही डाल देते हैं बीज। हो गया तो हो गया, खाने लायक बहुत हो गया, वरना मतलब अपना चल रहा है जैसा चलने दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोषण प्रबंधन। जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं।
पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन और शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें बेहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएं से जनन वृद्धि, रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। आप समझिए, आपसे क्यों कहा जाता है कि आप सब्जी भी खाइए, आप प्रोटीन भी लीजिए, सब्जियों से आपको विटामिन मिलेगा, प्रोटीन खाइए आप लोग, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि दूध लीजिए हैं आप कार्बोहाइड्रेट के लिए, और आपसे कहा जाता है कि दालें खाइए प्रोटीन के लिए, क्योंकि आपके शरीर को जो आवश्यकताएं हैं वो सब मिलती रहे। इसी तरह एक पेड़ की भी मतलब अपनी आवश्यकता होती है, खाद उसे चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर तरह से जरूरत बनी रहती है। तो उसकी बात अगर उसे भी आप इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो उसका भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा उत्पादन देगा, समझ रहे। हवा, पानी, मृदा से प्राप्त होने वाले पोषकों की बात करें तो हवा से आपका कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मृदा में आपका जैसे बेहद पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक की बात करें तो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब ये आवश्यक होते हैं। किन के लिए? पौधों के लिए। अब बात करते हैं खाद। खाद में कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद के को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। याद रखिए, जो जंतुओं के अपशिष्ट और जो आपके पौधे के कचरे से प्राप्त करते हैं, ये आपकी फसल के लिए भी लाभदायक होता है और लंबे समय तक आपकी उपजाऊ भी बनाए रखता है जमीन को। और जो आप उर्वरक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ये एक कंपनियों से जो आप ले लेते हैं, इससे क्या होता है कि एक साल तो आपकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी, लेकिन दूसरे साल उत्पादन क्षमता उसकी उपजाऊपन घट जाएगा आपकी जमीन का। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। कंपोस्ट तथा बर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुपालन का मलबूत, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्र चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों की सीधे निरस्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, इसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इस तरह से अगर आप खाद बनाकर खेतों में डालते हैं तो आपकी फसल को भी लाभ होगा और हाल में भी लाभ होगा, लंबे समय तक भी इसे लाभ मिलता रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उस पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के से परिपूर्ण करने में सहायता भी होते हैं। उर्वरक। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कार्यिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं, फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों को की प्राप्ति भी होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगी पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण भी बनती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है।
उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह है मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाता है, जबकि खाद उपयोग के लिए लाभदायक दीर्घावधि है। जो आपके अपने हिसाब से खाद बनाते हैं, हरी जो आप पशुओं के गोबर से देखा होगा अपने मलमूत्र से, ये आपके लिए लाभदायक भी होता है और दीर्घकालिक इससे लाभ प्राप्त होते हैं। फिर आपकी कार्बनिक खेती, खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक पीड़कनाशी शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में आधिकारिक कार्बनिक खाद, कृषि अवशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरे शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशक के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंता फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे नीचे बढ़ते हैं आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट पीड़क और खरपतवार को निम्न नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व की विधान करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिंचाई। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित होती है। आपने सुना होगा हमारी फसलों को, भारत की कृषि को जुआ की खेती करते हैं, मतलब अगर बरसात हो गई तो ठीक हुई फसल, अगर नहीं हुई तो स्थिति खराब है। और इस मामले में बुंदेलखंड आपका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर भी निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाती है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संबंधित फसल का उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकारित कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जा सकते हैं। पीने के लिए भी आप लोग देखते हैं कि बुंदेलखंड में बहुत बुरी स्थिति है, मुझे समझ में नहीं आता है। आपने देखा है कि बेतवा झांसी के पास से ही निकली हुई है, उस तरफ आप चंबल नदी देख सकते हैं, सिंध देख सकते हैं। इसे ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि बुंदेलखंड में पानी काफी रहता है? मुझे नहीं लगता है, मैं तो जब भी देखा हूं बेतवा में बहता हुआ पानी रहा है, तो क्यों ना इसका पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। झांसी कितने दूर है आसपास का, मुझे लगता है सिंचाई आराम से हो सकती है, लेकिन व्यवस्था ही नहीं की जाती है। इतना मानना पड़ेगा कि लागत कुछ अधिक ही आएगी, क्योंकि आप देखते हैं उबड़ खाबड़ एरिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी नहीं होता है। पानी की कमी या फिर वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषता उन क्षेत्रों में जहां किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं, केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हालांकि मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है, इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहर, नदियां तथा तालाब हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए कुएं और एक नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र। इनमें पानी एक या फिर अधिक जलाशय अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। नदी जल उठाव प्रणाली, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के निकट नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। ठीक है, फिर आपका फसल पैटर्न। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल, इस फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे आपने गेहूं चना या फिर गेहूं सरसों या मूंगफली सूरमुखी। इसमें आप लोगों ने आमतौर पर गेहूं और सरसों की फसल
कई बार देखी हुई। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। पर्याप्त का अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों की दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं सोयाबीन, मक्का अथवा बाजरा और लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे कि पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अंतराफसलीकरण देख रहे हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसलें सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में दो या फिर तीन फसलें अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। दो फसलें तो आप लोग आमतौर पर भी देखते रहते हैं। फिर आपका फसल सुरक्षा क्या है? फसल सुरक्षा, खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार किसी योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए गोबरू, जेंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम कहते हैं, मोथा, साई मोथा इसे कहते हैं, साइनेरस रोडस। एक खरपतवार भोजन स्थान और विकास के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई फसलें आप जब बोते हैं, मूंगफली आप बोते हैं तो उसमें कई ऐसे पौधे निकल आते हैं, मतलब ऐसे घास हो जाती है जो आपकी फसल के लिए भी हानिकारक होती है, तो उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, फिर कीट पीड़क तीन प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों में से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। ये तने तथा फसलों में छेद कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन को कम कर देते हैं। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसी रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं। इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है आपकी पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके आधिकारिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्राइयों तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई हुई कुछ निरोधक विधियां। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है जिससे कि इन्हें खत्म किया जा सके। अब बताते हैं, हम लोग बात करते हैं अनाज का भंडारण। कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु है। इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देती है। उत्पादन को जो उत्पाद होता है उसे बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंध होना चाहिए।
निरोधक तथा नियंत्रक विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। आप लोग एक बात देखा होगा, आप लोगों ने गेहूं में देखा होगा, एक उसे क्या घुन कहते हैं, एक कीड़ा होता है वो लग जाता है उसके बाद खराब कर देता है, उन्हीं सभी की बात की जा रही है। पशुपालन, पशु धन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं, जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध और मांस की खपत भी बढ़ गई है। पशुधन के मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशु खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ देखिए आप लोग, पशु उत्पादों का पोषक मान प्रतिशत में, ये पशु उत्पाद हो गए पोषक तत्वों की प्रतिशतता, जैसे दूध आप लीजिए, गाय के दूध में कितना वसा कितना रहते हैं, ये प्रतिशत में है, याद रखिए सभी 3.60%। प्रोटीन कितना, 4%। शक्कर 4.50%। खनिज 0.70%। जल आपका 87.20%। उसके बाद विटामिन B2, B12, डी, ई, ये सभी विटामिन मिलते हैं। जैसे अंडा 12%, बसा प्रोटीन 13%, और उसके बाद खनिज 1% के करीब, जल आपका 74%, और विटामिन इसमें B2 और डी। मांस इसमें आपका वसा रहेगा 3.60%, प्रोटीन 21.10%, और खनिज 1.10%, और जल 74.20%, B2 और B12 इसमें विटामिन। आपने देखा होगा जो मांस नहीं खाते हैं उनसे कहा जाता है कि आप दाल लीजिए, क्योंकि प्रोटीन मांस में और दाल में ही, आप जो मांसाहारी हैं वो मांस से ले सकते हैं और जो शाकाहारी हैं वो दालों से ले सकते हैं। अगर मछली की बात करें हम लोग, तो इसमें वसा रहेगी 2.50, यानी कि 2.50%, प्रोटीन 19%, खनिज आपका 1.30%, और जल आपका 77.20%, और इसमें नियासिन डी और ए आपका विटामिन देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पशु कृषि के बारे में। पशुपालन के दो उद्देश्य, दूध देने वाले और किसी कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं, गाय, इसे आप लोग बॉस इंडिकस, भैंस बॉस बोबिलिस, दूध देने वाली गाय मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रावण के काल पर कुछ सीमाओं तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल है। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने में मदद से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रावण काल के लिए विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। और याद रखिए, जर्सी गाय होती है, इनमें दूध भी अधिक होता है। देश में नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संक्रमण कराया जाए तो एक ऐसी संस्थिति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबा दुग्ध श्रावण काल भी रहेगा, यानी कि लंबे समय तक दूध देती रहेंगी, रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग उत्पादन की मात्रा। मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस के शरीर की उचित सफाई आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल और धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार और रोशनदार युक्त होना चाहिए। इसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाली पशु जैसे डेयरी पशुओं के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, और दूसरा वह आहार जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रावण काल के समय होती है दूसरे वाले की। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं जैसे मोटा चारा, रोसान जो फ्रामुक्ता रेसे होते हैं, दूसरा है आपका बी सांद जिसमें रेसे कम होते हैं, और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व इसमें अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिससे उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल हों। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने तथा दूध उत्पादन को बढ़ाने में
बढ़ाते हैं। ठीक है, पशु के अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। जो पशु होते हैं इन्हें रोग भी कई तरह के हो सकते हैं, जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु को नियमित रूप से खाता और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी अंतर परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं और जिनमें पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतर परजीवी जैसे कीड़े अमाशय आंखों या फिर पर्णकृमि फलू यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रमण रोग बैक्टीरिया व वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका भी लगाए जाते हैं। फिर आपने सुना होगा मुर्गी पालन यानी कि कुक्कुट पालन। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। ऐसे आपका लेगहन। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी और जैसे ऐसे लोग विदेशी जैसे लेगहन नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु इसमें आप लोग गर्मी अनुकूलन क्षमता उच्च तापमान को सहन की क्षमता देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता है। अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि उत्पादों उत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकते हैं। इनमें भी बहुत फायदा होता है। याद रखिए मुर्गी पालन बताया था ना, ये एक मेरा दोस्त करता है, बहुत फायदा होता है उसे, बहुत ज्यादा ही। आप शायद आपकी नौकरी से बेहतर, हम सबकी नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, उससे बेहतर ये है। लेकिन आप क्या आप समझते हैं कि अगर इसे आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप घर वालों की ही बातें सुन सुन के कुछ दिनों तो परेशान रहिए, लेकिन मुझे लगता है पैसा आने लगता है तो सबके बंद मोहे हो जाते हैं। चलिए आगे बात देखते हैं। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ब्रॉयलर के रूम में उत्पादित किया जाता है, मांस के प्रयोजनों के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंध प्रणालियां बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप और स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण उनके बचाव करने की भी शामिल है। ब्रॉयलर की आवास और पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु विषाणु कवक परजीवी पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग भी देखने को आपको मिलेंगे, अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए इनके लिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणु नाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए जिससे महामारी से ग्रसित ना हो। इन सावधानी के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को निम्नलिखित न्यूनतम हानि होगी आपको। फिर आपका मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। ये भी आपने देखा होगा कि मछली पालन भी किया जाता है, जो आपके तालाब होते हैं उनमें। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन और मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक प्राकृतिक स्रोत जैसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल या ताजा जल आलवड़ीय जल है। आलवड़ीय जल नदियों और तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे पानी जल के पारिस्थितिकी तंत्र में किया जा सकता है। फिर आपका समुद्री मत्स्यिकी। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट और इसके अंतर्गत समुद्र की गहराई तक होता है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना सार्डाइन, बॉम्बे डक है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तमापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इस सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है आपकी मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे झींगा,
मस्सट, ओएस्टर एवं साथ ही आपकी समुद्री खरपतवार, ओएस्टर हो गया का संवर्धन, मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं आप लोग। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इन प्रणालियों को समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर भी कहते हैं। ये आपकी मैक्रोबियल, बैक्टीरियम रोजन, बर्मी, बर्गी, ताजा पानी, पेनेस, मोनडॉन समुद्री, ताजा पानी की समुद्री मछली। पर एक देखते हैं आप लोग अंतःस्थलीय मछली, ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर, नदियां, खारे जल के संसाधन और जहाँ समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे नदियां, मुख्य एस्टुअरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण। जब मछलियां का प्रग्रहण अंतर्स्थलीय स्थलीय भाग स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होती है। मछली संवर्धन में कभी कभी धान की फसलें किस फसल के साथ ही किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रकार देसी तथा आयात प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो और उनके आहार भिन्न भिन्न, यानी कि एक का आहार दूसरा है और दूसरे का आहार अलग अलग है। एक ही तरह के आहार वाली मछलियां नहीं चुनी जाती इसमें। इसके परिणाम स्वरूप तालाब में प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है और रोहू, ये मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रॉस कार्प एक खरपतवार खाली खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियां साथ साथ रहती हुई बिना स्पर्धा कि अपना अपना आहार बना लेती हैं, यानी कि अपना अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। इससे तालाब से मछली उत्पादन में भी वृद्धि होती रहती है। ये आपका कटला हो गया, ये आपकी सिल्वर कार्प हो गई, ये आपकी रोहू हो गई, ये आपकी ग्रॉस कार्प हो गई, ये आपकी मृगल, एक कॉमन कार्प। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह भी है कि इनमें इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहां तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से लिए जाए तो अन्य स्पीसीज के डिम्बों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों के का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब प्राप्त होते रहेंगे। फिर आपका मधुमक्खी पालन। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अति अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के पास बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में भी किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे मधुमक्खी के छत्तों का मधु वाटिका में व्यवस्था, मधु निष्कर्षण। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्मों की मक्खी एपिक सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी है। एपिस डोरसेटा एक शैली मक्खी है। एपिस फिलोरी ये लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्रित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका तथा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधु की कीमत गुणवत्ता मधुमक्खियों की चारागाह अर्थात उनके मधु एकत्रित करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को भी निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब सरसों का टाइम आता है तो मीठी शहद उत्पन्न होती है और जब नीम के फूल होंगे उस समय आपने देखी होगी कड़वी शहद उत्पन्न होती है। आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक जाहिर इसलिए इन्हें बेहद पोषक कहते हैं। शेष
शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसल के पोषकों के मुख्य स्रोत खाद एवं उर्वरक हैं। कार्बन निम्न कार्बन कृषि प्रणालियों में उर्वरकों पीड़क नाशकों तथा शाकनाशकों का निम्नतम या फिर बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इस इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती कहते हैं हम लोग। मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों का एक ही साथ उगाया जाता है, एक ही खेत में उगाया जाता है। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार में उगाने को अंतःफसलीकरण कहते हैं, अंतःफसलीकरण। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम से उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, उच्च गुणवत्ता, जैविक एवं अजैविक कारकों की प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल और बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल और एक्चिस सस्य विज्ञानी गुण की नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंध जैसे आवास, आहार, जनन, रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन, मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर का उपयोग करते हैं। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देसी और बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। समुद्र तथा अंतर्स्थलीय स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन की बढ़ाने के लिए उसका संवर्धन समुद्र तथा अंतर्स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए पिति ध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग भी करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रयास मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु और मोम को प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये आपके इस अध्याय से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें भी लगा सकते हैं और आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इसे मिलाकर आपकी कक्षा नौवीं तक की और कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा नौवीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट करवा दी गई। कक्षा छठवीं में भी आपकी चार बुक्स थी, कक्षा सातवीं में भी चार बुक्स थी, कक्षा आठवीं में भी चार बुक्स थी, कक्षा नौवीं में आपकी पांच बुक्स थी और कक्षा दसवीं में भी आपकी पांच बुक्स हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।